Hello everyone, welcome to my channel e-grammar and art tutorials. Now in this video we are going to see everyday english expression in classroom. Is video mein dekhne jane wale hain hum handling classroom materials. Classroom mein jo materials hota hai usko kaise handle karte hain, to uske liye hum kis tarike ke jo expression hai wo use karne wale hain. Pehla hai fold the paper, yani ki kagaz ko modo. Second hai Have anyone got a spare pen or pencil or rubber? आप पूछते हो किसी को तो उसे कहेंगे हम क्या किसी के पास अतिरिक्त पेन पेंसिल रबर है तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Have anyone got a spare pencil, pen or rubber? Next, Have you got a pencil? क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है इसे हम इंग्लिश में कहेंगे Have you got a pencil? Next है Share your book with Sagar. यानी कि सागर के साथ अपनी पुस्तक साझा करो मतलब आप शेयर करते हो ना या फिर आप ये भी बोल सकते हो शेयर योर टिफिन विद सागर ही हैज नॉट गॉट टिफिन फॉर टुडे ओके नेक्स्ट है शार्पन योर पेंसिल यानी कि अपनी पेंसिल तेज करो शफल द कार्ड्स पत्तों को मिश्रित करें नेक्स्ट है टेक अ कार्ड यानी कि एक कार्ड लो या फिर यहां पे पत्ता भी बोल सकते थे हम बट हम कार्ड बोलेंगे यहां पे नेक्स्ट है टेक आउट योर बुक मतलब अपनी किताब निकालो टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक अपनी इंग्लिश की नोटबुक निकालो हम नोटबुक को नोटबुक ही बोलेंगे यहां पे नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ड विथ पेंसिल यानी कि पेंसिल से शब्द को रेखांकित करें What page are we on? यानी कि हम किस पेज पर है Next, write with a pen. यानी कि कलम से लिखो Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to this channel. Thank you very much.